हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखो। सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट रेट डिस्काउंट ऑफ 20%। हम कितने का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं? 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, सो क्या जनरल एंट्री हो जाएगी? आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, आपने गुड्स बेचा है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? मुस्कान टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? ठीक है, आप कितने के गुड्स थे हमारे? 2 लाख के गुड्स थे, जिसपे 20% आप क्या हो रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 2 लाख का 20% हम करेंगे, सो कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक है, नाउ 2 लाख माइनस 40,000, 1,60,000। तो हमारी सेल्स सेल्स हमारी कितने की हो रही है? 1,60,000 एंड 1,60,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। हमने क्या किया? 5,000 के गुड्स को रिटर्न कर दिया, मुस्कान ने रिटर्न कर दिया। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा? सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी? सिंपल, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू मुस्कान। ठीक है, अब कितने के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए बच्चे? 5,000 के रिटर्न कर दिए, लेकिन उस पर हमारा ट्रेड डिस्काउंट भी इंक्लूड है, राइट? 10% का। तो क्या हो जाएगा हमारा? कितने के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए हमें? 5,000। तो 5,000 पे अगर हम 10% का कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, सो 1,000 रुपीज। नाउ 5,000 माइनस 1,000 कितना के गुड्स हो गए हमारे, जो हमने रिटर्न करे हैं, सेल्स रिटर्न हुए हैं, वो है 4,000। तो कितना नेट अमाउंट आ जाएगा हमारा? 4,000 एंड 4,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। रिसीव फ्रॉम मुस्कान, हमें क्या हो रही है? पेमेंट रिसीव हो रही है, मतलब कैश रिसीव हो रहा है मुस्कान से इन फुल सेटलमेंट, मतलब पूरी की पूरी पेमेंट हो रही है अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। हमें हम कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं? 4% का हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने सोल्ड कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। जब आप सोल्ड कर रहे हो गुड्स को, जब आप बेच रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? क्या अलाउ कर रहे हो? डिस्काउंट आप दे रहे हो, राइट? ठीक है, जब आप परचेज करते हो तो आप रिसीव करते हो, ये चीज आप ध्यान में रखना। सो यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं, सो नेट अमाउंट पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं इसकी क्या हो जाएगी। कैश अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू मुस्कान। ठीक है, अब अमाउंट देखते हैं कितना आ जाएगा हमारा। सो देखो, आप पे कितना कर रहे थे हमें? सॉरी, हमें रिसीव कितना करना था? 1,60,000 रिसीव करना था, जिसमें से हमारे गुड्स रिटर्न्ड कितने हो गए? 4,000 के, राइट? सो 1,60,000 माइनस 4,000 कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी? यहाँ पे करो, 1,60,000 माइनस 4,000। ठीक है, सेल्स रिटर्न हो गया, सो 1,56,000 हमें इतनी अमाउंट रिसीव होनी थी, लेकिन हमने उन्हें क्या कर दिया? कैश डिस्काउंट दे दिया। कितने का कैश डिस्काउंट दे दिया हमने? 4%। सो अब इस पे हमारा लगेगा 4%। अब इसका 4% करेंगे तो 6,240 आ गया। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी अमाउंट? डिस्काउंट की अमाउंट हो गई। सो कैसे आ जाएगी हमारी देखो, 6,240 तो सीधा आप क्या कर दोगे? डिस्काउंट अलाउ में लिख दोगे। ठीक है, और मुस्कान को दैट इज 1,56,000, ये किस में आ जाएगी हमारी? मुस्कान में। सो 1,56,000 माइनस 6,240 नेट अमाउंट कितनी? जितनी हमें रिसीव, सॉरी, हम जितना पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किधर, किस में आ जाएगा? कैश अकाउंट में, दैट इज 1,49,760। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।